बड़ी बात है। आप सभी के हवाले से पढ़ता हूँ अमन अक्षर भैया की चार लाइनें कि तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं। आप सभी के हवाले से है कि तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं। आप ही ने मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। तो आप लोग आज पता चला था कि गर्ल्स डे भी है, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल। तो लड़कियों के हवाले से पढ़ता हूँ कि जान कहने से जान नहीं होती है, जान कहने से जान नहीं होती हैं। लड़कियां इतनी भी नादान नहीं होती हैं। रेहाना रूही जी की चार लाइनें हैं कि दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए। अपना बहुत कम पढ़ूंगा भाई, है नहीं कुछ ज्यादा, कि दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान ना समझा जाए। कि दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान ना समझा जाए। और मैं भी सारी लड़कियों की तरफ से कि मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। और आखिरी शेर है कि अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत। प्रांशु भाई, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए। बहुत शुक्रिया। हादसों की जद में है तो को मुस्कुराना छोड़ दें, हादसों की जद में है तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें। अब सुनिएगा कि तुमने मेरे घर ना आने की कसम तो खाई है, तुमने मेरे घर ना आने की कसम खाई तो है, आंसुओं से भी कहो कि आंखों में आना छोड़ दें। कोई सुन नहीं रहा है क्या मनीष भाई? भाई तालियां बजाते रहो तो लगे कि हाँ सुन रहे हो। कि जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, आप सभी के हवाले से, जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, जानते भी हो वो कैसे बची है। जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, जानते भी हो वो कैसे बची है, सभ्यता के जिस अटारी पर खड़े हो वो हम ही बदनाम लोगों ने रची। अब अपना खुद का लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ कि नाजुक से मेरे हाल पे इल्तिफात नहीं करते। रंजू भाई पहली बार पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि नाजुक से मेरे हाल पे इल्तिफात नहीं करते, बेरुखी पर अब कभी एहतियात नहीं करते। नाजुक से मेरे हाल पे इल्तिफात नहीं करते, बेरुखी पर अब कभी एहतियात नहीं करते। ब्लॉक अनब्लॉक मैसेज डिलीट और ऑनलाइन, ब्लॉक अनब्लॉक मैसेज डिलीट और ऑनलाइन, वो सब करते हैं बस हमसे बात नहीं करते। भाई वाह वाह बोलने की आदत डाल लो, मैं मोहब्बत में अपनी बर्बादियां लिखने वाला हूँ। आप लोग वाह वाह बोलते रहिए। सुनिए कि बड़े ही मूड में तितली थी उस दिन, तुम्हारी बात फिर निकली थी उस दिन। बड़े ही मूड में तितली थी उस दिन, तुम्हारी बात फिर निकली थी उस दिन, और बहक जाने में आसानी थी कितनी, बड़ी मुश्किल से जान संभली थी उस दिन। अब ऐसे पढ़ता हूँ कि इसको देख लो एक बार के पढ़ना क्या है। अभी दावर ने रास्ते में बताया था कि कल उसके यहाँ एक घटना हुई है, 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, संडीला की घटना थी। शायद मेरी नज़र में पहले इतनी पास कोई करीब घटना हुई होगी इतनी बड़ी, मैंने कभी अखबारों में पढ़ा था केवल। जब दावर ने बताया तो जवाब ही रुक गई मेरी ये दर्द कहते हुए, अजीब लगने लगा है खुद को मर्द कहते हुए। एक शाहजहांपुर का लड़का है, उसका शेर है भानु प्रताप, जिसको आप जानते हैं उसको। वो कहता है कि छोटे कपड़े होंगे तो हदें पार करोगे क्या, माँ का आंचल उतर गया तो बलात्कार करोगे क्या। अब एक आखिरी गजल पढ़ देता हूँ अपनी की, जो एक ही गजल है, एक मत पढ़ देता हूँ कि गुड्डे गुड़ियों के दिन वो जमाने याद आते हैं, गुड्डे गुड़ियों के दिन वो जमाने याद आते हैं, हमें परियों की कहानी के फसाने याद आते हैं। गुड्डे गुड़ियों के दिन वो जमाने याद आते हैं, हमें परियों की कहानी के फसाने याद आते हैं। हंसते थे लैला मजनू हीर राजा के किस्सों पर, मृत्युंजय भाई हंसते थे लैला मजनू हीर राजा के किस्सों पर, अब अपने इस हाल पे वो दीवाने याद आते हैं।
कुछ यादें बचपन की हैं, कुछ यादें बचपन की हैं, कुछ दर्द जवानी के हैं, जिसके साथ भी बीते हैं वो ठिकाने याद आते हैं। और आखिर शेर इश्क़ की, शहर की इस भीड़ में आकर भी तन्हा रहे हम, शहर की इस भीड़ में आकर भी तन्हा रहे हम, वापस अपना गांव मिट्टी के घराने याद आते हैं। बहुत शुक्रिया।